Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Today we are discuss our beautiful and evergreen flowering plant, Mirabilis jalapa. Another name is Foroclore. अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा मिराबिलिस जलापा का प्लांट है और ये सारे ही जो है वो मैंने अपने प्लांट सीड से ग्रो करे थे। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसकी सीडिंग करना भी सिखाई थी और आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। माशाल्लाह से सबकी ग्रोथ जो है वो कितने ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। कुछ की ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो है, कुछ प्लांट्स जो है वो मैंने बाद में लगाए थे और कुछ ख़राब भी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी धूप कम पड़ती है, लेकिन ऑल ओवर आप इसका रिज़ल्ट देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो हमें मिला है। और मज़े की बात ये है कि इसके सीड्स मैं कहीं से परचेस नहीं करे थे, बल्कि मैं जा रही थी एक दो बार तो मुझे रास्ते में ये प्लांट लगा हुआ नज़र आया और उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही थी और सीड्स भी लगे हुए थे, तो मैंने वहाँ से इसके सीड्स कलेक्ट करे और ये सारे जो है वो मिक्स्ड कलर के अंदर जो है इसके सीड्स लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता कौन सा पॉट के अंदर किस कलर का जो है वो प्लांट है, मतलब कौन सी उसके अंदर फ्लावरिंग होगी किस कलर की। ये जब फ्लावरिंग होगी तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और जब भी जो है वो मुझे भी पता चलेगा। बहुत इजीली ये सीड से लग जाता है, कटिंग से भी लग जाता है। आप जस्ट इसकी यहाँ से इतनी बड़ी जो है वो 4-5 इंच की कटिंग लेकर आ जाएं कहीं से तो ये उससे भी बहुत इजीली ग्रोथ हो जाता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देखिएगा। और क्योंकि इस वक्त ये सीज़न है तो आपको कहीं से भी इसके सीड्स बहुत ईजीली मिल जाएंगे। ये देखें, ये मेरे जो है वो प्लास्टिक की बॉटल के अंदर लगा हुआ है, ये वाला भी और इसके अलावा ये वाला भी प्लास्टिक की बॉटल में लगा हुआ है। तीनों की ग्रोथ देखें आप कितने ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और देखें इसकी जो है ये पिंक कलर की इसके ब्रांचेस है, जबकि ये वाला जो मेरा प्लांट है इसके सारे ही ब्रांचेस जो है वो ग्रीन कलर की है, क्योंकि ये मैंने अलग अलग जगह से इसके सीड्स कलेक्ट करे थे। और किसी के अंदर इसके लीव्स जो है वो आप देखें कितने बिग साइज़ के इसके लीव्स हैं, जबकि ये वाला जो मेरा प्लांट है इसके लीव्स अभी थोड़े से स्मॉल साइज़ के हैं। इसी तरीके से इसके प्लांट के भी लीव्स थोड़े से स्मॉल साइज़ के हैं और इसमें इतना ज़्यादा जो है वो रूट बाउंडिंग का इशू भी नहीं होता, तो आप इसको छोटे से स्मॉल साइज़ के पॉट में भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे छोटे से पॉट के अंदर लगा हुआ है और इसके अंदर आप इसकी ग्रोथ देखें और ये कितना बुशी सा हो रहा है, जबकि मैंने इसमें अभी कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करा, ना इसकी मैंने पिंचिंग करी है, कुछ भी नहीं करा, जस्ट मैंने इसकी सील्डिंग करके अभी इनको जो है वो रख दिया। अभी जो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी तो मैंने इसको थोड़ा सा शेडी प्लेस में रख दिया था। बाकी ये है कि यहाँ पर ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए, सुबह के टाइम जब ज़्यादा धूप होती है तो इसके लीव्स जो हैं वो पूरे नीचे की तरफ झुक जाते हैं इस तरीके से, लेकिन जैसे जैसे मौसम ठीक होता जाता है तो फिर इसके लीव्स दोबारा से सही से हो जाते हैं। और इसके अंदर भी आप देखें मेरे प्लास्टिक के पॉट में तकरीबन ये मेरे 5 जो है वो प्लांट्स लगे हुए हैं। ये देखें, ये मेरे 5 प्लांट्स इसमें लगे हुए हैं, तो आप इसको किसी भी चीज़ के अंदर ग्रो कर सकते हैं। और ये सर्दियों में भी इतने ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है, लेकिन गर्मियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इसके अंदर फ्लावरिंग बहुत अच्छे तरीके से होने लगती है। और जैसे ही इसके अंदर फ्लावरिंग होगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ उसकी भी वीडियो शेयर करूँगी। और इसके फ्लावर्स के बाद जो है वो सीड पॉट बन जाता है। इस तरीके से आप जो है उसके सीड्स को दोबारा लगा के एक और प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि आप इसको जो है वो डायरेक्ट सनलाइट में अभी इतना ज़्यादा ना रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ चल रही हैं और अभी हमारे प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल न्यू हैं, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा एज नहीं है। जब ये पुराने हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में फुल डे के लिए रख सकते हैं, लेकिन अभी 1 या 2 घंटे की सनलाइट इसके लिए बहुत होगी और उसमें आपने इसको पानी का ख्याल रखना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर वाचिंग करनी है और ये नहीं कि आप बिल्कुल इसको जो है वो भूल ही जाएँ, बस हल्का सा पानी दें, बल्कि जब जब इसके ऊपर का सरफेस ड्राई हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो वॉचिंग करनी है। और बिल्कुल भी जो है इसको इतना ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो आप भी इसको अपने घर में लगाइए, ना ही बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो के साथ, जब तक अपने प्लांट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।